अयम तो युग धर्मो ही, ये युग का प्रभाव है, ये तो युग का प्रभाव है। अभी तो इतना दिख रहा है तुमको, लेकिन आगे चलकर के ये भी कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं मंगल नहीं दिखाई देगा। अभी तो कुछ भागवत कथा, सत्यनारायण की कथा, मंदिर पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमात जाता मंगलम नापि दृश्यते, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। भक्ति महारानी ने कहा, अगर ये कलयुग का प्रभाव है तो परीक्षित ने छोड़ा क्यों इसको, मार देता? और भगवान इसके क्यों सहन कर रहे हैं इसके पाप को? तब नारद जी महाराज ने कहा, देवी कलयुग में सार है इसलिए छोड़ दिया। बोले क्या सार है? तो नारद जी ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं, जो योग से नहीं, जो समाधि से नहीं, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से, केवल हरिनाम संकीर्तन से वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस गुण पर रीझे थे परीक्षित, इसलिए छोड़ दिया है इसको। कलयुग में केवल नाम का आधार है, कलयुग केवल नाम है, और कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। जो नाम जप करेगा उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम जो नाम का आश्रय ग्रहण करेगा उसका काम बन जाएगा। देखो सब चीज में नियम है, सब चीज में नियम है, भगवान की सेवा में नियम है, भगवान की सेवा में नियम कानून है, ठाकुर जी की सेवा करने में नियम लगते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे बिना नहाए नहीं सेवा पूजा कर, नियम लगता है। मंदिर जाने में भी नियम है, गंगा नहाने में भी नियम है, सब काम करने में, यज्ञ करने में भी नियम है, समाधि लगाने के भी नियम है, योग करने के भी नियम है। अब योग करने वाला व्यक्ति ज्यादा ठूस ठूस के खा लेगा तो क्या योग करेगा? योग करने वाले को थोड़ा खाना पड़ता है और बहुत सावधानी पूर्वक रहे तब तो उसको योग सिद्ध होता है, ऐसे तो सिद्ध नहीं होगा। तो सब में नियम है, लेकिन नाम में कोई नियम नहीं है, नाम लेने वाले के लिए कोई नियम नहीं है। आप पवित्र हैं, आप अपवित्र हैं, सूतक लगा है, पातक लगा है, अपवित्र अवस्था में हैं, कैसी भी अवस्था में हैं, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नाम सदा जप कर सकते हैं और नाम लेने मात्र से भगवान कल्याण अवश्य करते हैं। और जो नाम ग्रहण कर लेता है, जिसके जीवन में नाम आ जाता है, उसने सब कुछ कर लिया। नाम लेने मात्र से सब कुछ, सारे साधन हो गए आपके, सारे भजन हो गए, सारे पूजन हो गए। नाम ले लो बस, नाम सबसे उत्तम है। इसलिए कुछ बने चाहे ना बने, नाम जप करो बस। राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम राम भजो।